नहीं रहे रतन टाटा 86 साल की उम्र में मुंबई में निधन रोग में थे। बड़ी खबर, रतन टाटा का निधन बुधवार की देर शाम मुंबई के बीच कैंडी हॉस्पिटल में हो गया। भारत के दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा 86 साल के थे। पिछले कुछ दिनों से वो बीमार चल रहे थे, जिससे देश भर में शोक की लहर दौड़ गई है। बताते चले कि भारत के दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा का निधन बुधवार की शाम को हो गया है। उन्होंने मुंबई के बीच कैंडी अस्पताल में अंतिम सांस ली। दरअसल बुधवार की शाम में उनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ने की खबर आई थी, जिसके कुछ घंटे बाद ही उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। रतन टाटा का जाना देश के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है, हालांकि उन्हें देश कभी नहीं भूल पाएगा। उन्होंने देश के लिए एक से बढ़कर एक काम किया। टाटा ग्रुप को ऊंचाइयों पर पहुंचाने में रतन टाटा की सबसे बड़ी भूमिका रही। उन्होंने देश और आम लोगों के लिए कई ऐसे काम किए जिसके लिए उन्हें याद किया जाता। रतन टाटा एक दरिया दिल इंसान थे और मुसीबत में देश के लिए हमेशा तैयार रहते थे।